तो चलिए मैं ज़्यादा देर ना करती हूँ, अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ मैंने किस तरह से मेकअप किया था। प्लीज़ फ्रेंड्स, अभी मेरे बालों को ज़रा आप लोग इग्नोर कीजिएगा। मैं जब भी शैम्पू करती हूँ मेरे बाल ऐसे ही हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। तो अभी मैं टोनर लगा रही हूँ लिलियम का, ये टोनर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। तो इस तरह से आप टैप टैप करके अपने फेस पे इस टोनर को लगा लीजिए। देन मैं मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, ये 99% एलोवेरा जेल मॉइस्चराइजर है, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। थोड़ा सा ही लूँगी और इसे इस तरह से अपने हाथों से लगा लूँगी, हल्का हल्का। देख सकते हो आप लोग मैं किस तरह से लगा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से लगा लीजिए। मॉइस्चराइजर बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं स्विच ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अगेन, इसे भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मिला था मुझे, तो आप लोग को जहाँ जहाँ कंसीलर की ज़रूरत हो वहाँ वहाँ लगा लीजिए। मैं अपने आईब्रोज़ के पास भी लगा रही हूँ जिससे मेरी आईब्रोज थोड़ी हाईलाइट दिखें और आईज़ मेकअप बहुत अच्छा दिखता है इस तरह से आप अगर कंसीलर लगा लेते हो। तो आपको जहाँ जहाँ भी ज़रूरत हो आप वहाँ वहाँ ये कंसीलर लगा लीजिए बहुत अच्छे से। देख सकते हो मैं किस तरह से लगा रही हूँ, मेरा नेचुरल शेड है इसमें, ये देख सकते हो मैंने लगा लिया है। अब मैं अच्छे से स्पॉन्ज की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ, मेरे बालों में भी लग गया है। तो मैंने ब्लेंडिंग कर ली है। अब मैं लैक्मे 95 का सीसी क्रीम ले रही हूँ, नेचुरल शेड है इसमें मेरा। ये क्रीम मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करती हूँ। देखा होगा ये ट्यूब ख़त्म भी होने वाला है, तो इसे मैं लगा रही हूँ, अपने हाथों की ही हेल्प से लगाऊंगी। ज़्यादा प्रोडक्ट मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं फाउंडेशन भी लगाऊंगी, नेक एरिया में भी लगा रही हूँ मैं इसे। आप लोग देख सकते हो अच्छे से कवर कीजिए आप अपने फेस को। देन मैं आप लूँगी ब्लैक कलर लूँगी इस आई शेडो पैलेट में से अपनी आईब्रो को फिल करने के लिए। मैं बहुत ही हल्का लगाऊंगी, ये स्पॉन्ज ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ही मैं इसे लगा रही हूँ। ये एप्लीकेटर मुझे इस आई पैलेट में मिला था, तो इसी से अप्लाई कर रही हूँ मैं इसे अपनी आईब्रोज को। आईब्रोज में ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, मुझे ज़्यादा डार्क आईब्रोज पसंद नहीं आती हैं, नॉर्मल सा लुक मुझे अच्छा लगता है मेकअप में। और मैं एक पुली की हेल्प से इसे पूरा अच्छे से स्मच कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी जिससे जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो निकल जाएगा इसकी हेल्प से, और आपकी आईब्रोज बहुत अच्छी शेप में दिखती है इससे ऐसा करने से। बहुत अच्छे से आप अपने आईब्रो को फिल कर लीजिए। अब मैं बेबो का लिप बाम लगा रही हूँ, मैंने लिप्स में कुछ नहीं लगाया था, तो लिप्स को मॉइस्चराइज करना भी ज़रूरी होता है। तो मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, मैं लिप बाम लगा रही हूँ। अब मैं इनसाइड का फाउंडेशन ले रही हूँ, 02 शेड है इसमें मेरा, अगेन नेचुरल कलर है, नेचुरल शेड है। जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो नेचुरल शेड ही है सब। तो इस तरह से मैं डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ जहाँ भी मुझे लगाना है। मैं नेक एरिया को भी कवर करूँगी, नेक एरिया को कभी मत भूलिए क्योंकि नेक अलग दिखता है और फेस अलग दिखता है अगर आप नेक एरिया छोड़ देते हो। तो नेक एरिया को भी ज़रूर कवर कीजिए। और मैं ब्लेंडिंग कर लूँगी इसकी अच्छे से स्पॉन्ज की हेल्प से, देख सकते हो आप। मुझे ब्लेंडर से ज़्यादा ये स्पॉन्ज ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि बहुत अच्छे से इससे ब्लेंड होता है। तो मैंने ब्लेंडिंग कर ली है और अब मैं ग्लैम 21 की आई पैलेट में से ये पर्पल कलर का यूज़ करूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड। तो मैं इसे अच्छे से लगाऊंगी, इसमें जो एप्लीकेटर है उसी की हेल्प से अप्लाई करूंगी मैं। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे अप्लाई कर लूँगी, देख सकते हो मैंने पर्पल कलर, दो तीन पर्पल कलर यूज़ किया इसमें, डार्क लाइट जब जाके मेरे आईज़ मेकअप में ये लुक आया था। और मैंने आईज़ मेकअप का पूरा लुक आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है फ्रेंड्स इस वीडियो में, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं जब भी मेकअप करती हूँ तो मुझे आंखों से बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप पानी निकलने लगता है, राइट हैंड साइड वाली आईज़ मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो जितना भी मैंने आईज़ मेकअप इसमें दिखाया है
मुझे थोड़ा दम नॉर्मल लग रहा था तो मैंने शूट किया था। तो जितना भी शूट किया आप लोग वो देख लीजिए, लेकिन मैं पूरा आईज़ मेकअप शूट नहीं कर पाई हूँ। मुझे आधा घंटा आईज़ मेकअप ठीक कर करके किया है मैंने। मैं ही जानती हूँ मैंने आज का आई मेकअप कैसे किया, फिर भी ख़राब हो ही गया था। इतना कोशिश करने के बाद भी मेरे आईज़ मेकअप को मैं ठीक ही नहीं रख सकी। तो देख रहे हो आप लोग मैं इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ इसे, तो मैंने ब्लेंड कर लिया, आपको पास से भी दिखा दे रही हूँ। मैंने 2-3 शेड लगाए हैं इस आईज़ में। अब मैं लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ एक्स्ट्रा फॉल आउट हटाने के लिए। देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा फॉल आउट हो गया था क्योंकि मैंने बार बार आई मेकअप किया है, पानी निकल रहा था उस वजह से। अब मैं एक्स्ट्रा ब्रश की हेल्प से अच्छे से लगा लूँगी अपने फेस पे कॉम्पैक्ट पाउडर को, एक्स्ट्रा फॉल आउट को रिमूव करते हुए पूरे फेस को कवर करते हुए मैं लगा लूँगी। मैं बार बार बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मेरे बालों को इग्नोर कीजिएगा, मैं बालों में सीरम लगाना भूल गई थी। अब मैं कलर दीवा का सिल्वर कलर का लाइनर यूज़ करूँगी आईलिड एरिया में लगाने के लिए, क्योंकि अच्छा लुक लगता है मुझे इस तरह से। ग्लिटर लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं उसी के एप्लीकेटर से लगाऊँगी। जितना भी आपको लगाना, आप डार्क लगाना, डार्क मैं थोड़ा डार्क लगा रही हूँ। ये वैसे भी ये कलर दीवा का लाइनर बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इससे भी मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया था। मैं फ़्लिपकार्ट से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ और मिस भी कर रही हूँ। फ़्लिपकार्ट से कुछ भी नहीं मंगा पा रही हूँ ये लॉकडाउन की वजह से, शॉपिंग बहुत मिस कर रही हूँ मैं। तो मैं दोनों आँखों में लगा लूँगी अच्छे से देख रहे हो आप लोग कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो मैंने लगा लिया है और अब मैं इनर साइड में स्वीट ब्यूटी का सिल्वर हाइलाइटर यूज़ करूँगी इनर साइड में लगाने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जैसे आप इनर साइड में हाइलाइटर लगाओ। तो मैं सिल्वर कलर का यूज़ कर रही हूँ, स्मॉल ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी मैं इसे। इस तरह से लगा लूँगी मैं दोनों आईज पे। देखिए मैंने लगा लिया है, अच्छे से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो अब मैं उसी फेस ब्यूटी हाइलाइटर से अगेन सिल्वर कलर लेकर अपने आईब्रोज आईज मेकअप को हाइलाइट करूँगी। फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ मैं। इस तरह का लुक मुझे बहुत पसंद आता है, तो इस तरह से मैं अप्लाई कर लूँगी। देख सकते हो आप लोग मैंने फिंगर की हेल्प से अप्लाई किया है। अभी तो मेरी आईज़ मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी जब मैंने मस्कारा इनसाइड का मस्कारा लगाऊंगी मैं। ये मुझे बहुत पसंद है, ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया क्योंकि मेरी आईज़ प्रॉब्लम कर रही थी। बट इसका लाइनर फैल ही गया था लगाने के बाद, लाइनर ने मेरा साथ नहीं दिया था और मेरा आईज़ मेकअप बिगड़ गया था। तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो मैं इसे अच्छे से लगा लूँगी क्योंकि मैं फॉल्सेज सप्लाई नहीं करने वाली हूँ। मैं अपने वीडियोस में फॉल्सेज का यूज़ नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल, आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे, इसी वजह से क्योंकि मेरे आईज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मुझे आईज़ मेकअप कर जब भी करती हूँ। और फॉल्सेज का जो ग्लू होता है वो भी मुझे सूट नहीं करता है। अब मैं एरियस की लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ एज अ कंट्रोल। मैं इस कलर को यूज़ करूँगी कंट्रोलिंग करने के लिए जहाँ जहाँ भी आपको ज़रूरत है। एकदम लाइट न्यू शेड है ये शेड मुझे पसंद है कंट्रोल करने के लिए, बहुत अच्छा वर्क करता है। मैंने इसे बहुत से वीडियोस में अपने देखा होगा यूज़ किया है। तो मैं फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये ब्रश की हेल्प से नहीं हो पाता तो आपको फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करना पड़ता है इसे। फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ये कलर और ज़्यादा पता भी नहीं चलता कि सूख के आपने कंट्रोलिंग की अपने फेस पे। तो मुझे हल्का ही पसंद है कंट्रोल करना इस तरह से। तो ब्लेंड कर लूँगी मैं, आप लोग देख रहे हो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं। अब मैं लूँगी लिपस्टिक अगेन, पिंक कलर की लिपस्टिक लूँगी एरियाज की।
मैं लिप्स में इसे हल्का हल्का लगाऊंगी, ज़्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ, मैं एकदम हल्का लगा रही हूँ इसे। आईज मेकअप मैंने कर लिया था ऑफ कैमरा, बिकॉज प्रॉब्लम हो रहा था, आप लोग को दिख रहा होगा मेरा राइट हैंड साइड का आईज मेकअप बिगड़ रहा था। ये देखिए मुझे कितना पानी आ रहा, मैं बार बार अपनी आंखों को साफ कर रही थी और मेकअप करती जा रही थी, बट वो बिगड़ ही गया था। तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मैं बहुत कोशिश की कि ठीक है ठीक है, मैंने 2-3 बार ठीक किया, बस बार बार बिगड़ जा रहा था। अब मैं ग्लैम 21 का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, पिंक कलर का और ऑरेंज शेड मिक्स किया है मैंने ब्लशर लगाने के लिए। तो मैं इस तरह से इसे अप्लाई कर लूँगी। ब्लशर का मैंने ज़्यादा यूज़ किया है, आप लोग देख रहे हो, देखिए इस तरह से मैंने अप्लाई किया है ब्रश की हेल्प से। और अब मैं हाईलाइट लगाऊंगी, अगेन फेस ब्यूटी का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ मैं। मैं हाईलाइट लगाना स्टार्ट कर रही हूँ, सॉरी। तो मैं इस तरह से लगा लूँगी हाईलाइटर को, आपको जहाँ जहाँ भी लगाना है आप वहाँ लगा लीजिए। मुझे हाईलाइटर लगाना बहुत पसंद है क्योंकि मेकअप इसके बिना मुझे इनकम्प्लीट लगता है। जो हल्की हल्की सी शाइन दिखती है वो मेकअप में बहुत अच्छा लुक क्रिएट करती है आपके फेस में। तो मैं लगा रही हूँ, और मैं एरियस की पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, लिड पेंसिल का पॉपअप शेड है ये। मैं इस तरह से इसे अप्लाई करूँगी लिपस्टिक लगाने से पहले, शेप दूँगी अपनी लिप्स को, देखिए। अब मैं लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ, ये स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक है और ये कलर मुझे बहुत पसंद है, देखिए कितना सुंदर कलर है, देख सकते हो आप। आप इसे जितना डार्क करो ये कलर उतना ही खिल के आता है। और आप जब लिपस्टिक लगाओ तो फ्रेंड्स पूरा टाइम दीजिए अपनी लिपस्टिक लगाने के लिए, तो क्योंकि मेकअप में जब आप लिपस्टिक अप्लाई करते हो ना कंप्लीट होने के बाद, तो आपका मेकअप बहुत अच्छा दिखता है। लिपस्टिक में बहुत अच्छे से आप टाइम देकर अपनी लिपस्टिक को अप्लाई कीजिए। आप लोग देख रहे हो मैं कितना ध्यान से लिपस्टिक अप्लाई करने में बिजी हूँ, क्योंकि मुझे पूरे मेकअप में सबसे ज़्यादा लिपस्टिक पसंद आता है। तो मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, देखिए कितना सुंदर कलर है, अच्छे से पूरा टाइम लेके मैंने लिपस्टिक लगाया है, बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। क्योंकि लिपस्टिक से आपके फेस में एक अलग ही चेंजेस दिखने लगता है जब मेकअप कंप्लीट होता है। तो देखिए लगा लिया मैंने, और अब मैं एडीएस का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। इसे भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, मैंने सारे प्रोडक्ट्स का वीडियो रिव्यू दिया हुआ है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। तो मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक, मैंने ज्वेलरी वेयर किया है और चूड़ियों को भी पहना, मैंने थोड़ी बहुत चूड़ियाँ वेयर की हैं। तो ये है मेरा फाइनल लुक, देख सकते हो आप, पास से भी देख लीजिए, देखिए बहुत ही मुश्किल से मैंने आज का मेकअप किया है, जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाया है, पर ठीक है, यह है साड़ी वेयर किया था मैंने। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड, टेक केयर, बाय।